हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज की वीडियो में बात करूंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप MISC कॉम्प्लिकेशन में क्या लोगे एज अ प्रिवेंटिव और एज अ थेरापेटिक। MISC के होम्योपैथिक मेडिसिन जानने से पहले आप MISC के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानिए, जो कि मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बता रखी हूँ। उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, किस तरीके के इन्वेस्टिगेशन होंगे और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, मैंने इसके बारे में डिटेल्स बात की है उस पर। तो प्लीज़ उस मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथिक होगी आर्सेनिका मैल्बम। आर्सेनिका मैल्बम आप कोविड के प्रिवेंटिव, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के प्रिवेंटिव भी देते हैं। तो MISC कॉम्प्लिकेशन में आर्सेनिका मैल्बम बहुत बेस्ट है और इफ़ेक्टिव। आर्सेनिका मैल्बम हम तब देते हैं जब बॉडी से किसी तरीके का फ्लूइड लॉस होता है, किसी तरीके का एग्जॉस्टिंग डिजीज़ होती है या एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, मतलब शरीर से अगर किसी तरीके का फ्लूइड लॉस हुए, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए, तो बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, वीक हो जाती है। उस कंडीशन में आर्सेनिका मैल्बम इफेक्टिव है। आर्सेनिका मैल्बम के सिम्टम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो आर्सेनिका मैल्बम में जो फेस होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, आँखों में स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फेंटम न्यूनेटरम, मतलब कि बच्चों में जो ऑप्थेल्मिक कंडीशन आती है, आँखों की प्रॉब्लम आती है, उस तरीके के सिम्टम्स नज़र आएंगे। लिप्स की स्वेलिंग हो जाएगी, जो टंग होगा वो रेड होगा, स्वेल्ड होगा और साथ साथ में बर्निंग, जैसे कि जलन होगी बहुत ज़्यादा आग जैसी। तो उस तरीके के सिम्टम जो कि MISC में भी देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके के सिम्टम आर्सेनिका मैल्बम के मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। आर्सेनिका मैल्बम में वॉमिटिंग बहुत होगी जो कि प्रोस्टेटिंग होगी। आर्सेनिका मैल्बम की हार्ट की अगर बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, उसके साथ साथ पल्स इरेगुलर है, स्टिचिंग पेन है जो चेस्ट में और स्टर्नम में होगी, जिस इसी तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेशन MISC में भी दिख रहे हैं। तो उस इसलिए MISC एक्चुअली आर्सेनिका मैल्बम और MISC दोनों के बारे में बात करने का ये है कि ये सिमिलिमम वर्क कर रहा है, यानी जो MISC के कॉम्प्लिकेशन है आर्सेनिका मेडिसिन की मेडिसिन के सिम्टम्स भी रिलेट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन दोगे तो बहुत ही इफ़ेक्टली, सेम मेडिसिन सेम सिम्टम पे बेस है तो सेम इफ़ेक्ट डालेगी और इससे आप क्योर करेगी, ठीक है। इसलिए आर्सेनिका मैल्बम 30 आप बच्चों में दो बूंद जो वाण पर डाल के सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं, इसे एज ए प्रिवेंटिव, और थेरापिटिक देंगे तो एज जैसा कि फिजिशियन सजेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं एकोनाटम नेपालिस की। एकोनाटम नेपालिस के जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही सडन, यानी अचानक से और बहुत ही वायलेंट आते हैं। तो इसलिए एकोनाटम MISC के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि MISC के कॉम्प्लिकेशन भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। MISC के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और वो विद इन 24 आवर बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एकोनाटम नेपालिस अगर सिम्टोमेटिक सिमिलिमम बेसिस पे देखा जाएगा तो एकोनाटम नेपालिस के भी सिम्टम्स, अगर आँखों की सिम्टम्स की देखे जाए तो रेडनेस, स्वेल, रेडनेस और बहुत ज़्यादा जलन, उसके साथ साथ जो कंजक्टिवाइटिस होगी उसमें एग्जुडेशन नहीं होगा, उसमें किसी तरीके का डिस्चार्ज नहीं होगा, आँखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और हार्ट की कंडीशन की बात करेंगे तो हार्ट में पैल्पिटेशन होगा, बहुत वायलेंट होगा, फियर ऑफ डेथ होगा कि क्योंकि सडन सफोकेशन और इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन आएंगी, इसलिए साथ साथ में फीवर में रेड हॉट फेस होगा, बॉडी बहुत हॉट होगी, वायलेंट फीवर भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कफ की, कफ भी वायलेंट और सडन होगा। तो इसलिए एकोनाटम नेपालिस से MISC के कॉम्प्लिकेशन में देते हैं कि MISC का कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी सडन और वायलेंट है। अगर एकोनाटम नेपालिस एज ए सिमिलिमम देंगे तो इफेक्टिवली वर्क करेगी और क्योर भी करेगी। तो एकोनाटम नेपालिस की अब 30 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम एज ए प्रिवेंटिव अगर देना है तो 2 से 3 दिन, और उसे थेरापेटिक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्बोवेज की जो मेडिसिन है वो बेस्ट है कि किस तरीके से, मतलब बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आया, जैसे कि कोविड आया, कोई भी बीमारी आई, उसके बाद बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, यानी कि बच्चा अगर कोविड से वो हुआ था, कोविड से ग्रसित था बट कोविड चला गया,
बट उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी। तो उस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत बेस्ट है। तो जो MISC का कॉम्प्लिकेशन है वो इसलिए ही आता है क्योंकि बॉडी जो है, जो बच्चे की बॉडी है कोविड होने के बाद, वो रिकवर नहीं कर पाई है। उसके अंदर जो भी लॉस हुए हैं, जो भी फ्लूइड लॉस हुए हैं, या भी जो भी शरीर की स्ट्रेंथ लॉस हुई है, जो भी ताकत की कमी हुई, वो सारी चीज़ें वापस से रिकवर नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर कार्बोवेज देते हैं तो कार्बोवेज इस सारी रिकवरी में बहुत रिकवर करने के साथ साथ उसे स्ट्रेंथ भी देता है और सिम्टम्स भी क्योर करता है। तो कार्बोवेज के सिम्टम्स में अगर देखेंगे तो इसमें एग्जॉस्टिंग, मतलब अगर फ्लूइड लॉस हुआ, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गया है, उसे एनर्जी की कमी है, उस कंडीशन में कार्बोवेज उसे एनर्जी देने के साथ साथ, अगर बच्चा डेथ बेड पे है तो उसको भी रिकवर करने में और उसे डेथ बेड से वापस एनर्जेटिक स्टेट में लाने में बहुत हेल्पफुल है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज 30 आप पोटेंसी में दे, कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ फीवर की मेडिसिन जो कि बहुत, जैसे फीवर जो कि तीन दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए बेलाडोना, ब्रायोनिया, चाइना और फेरम फॉस, इस ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। तो बेलाडोना के सिम्टम्स की बात करेंगे तो बेलाडोना के जो सिम्टम आते हैं वो जल्द तुरंत आते हैं, तुरंत जाते हैं, मेरी सड़न आना सड़न जाना, तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो उसमें बेलाडोना MISC का कॉम्प्लिकेशन बहुत इफेक्टिव है। फीवर हाई होगा, बर्निंग होगी बहुत ज़्यादा शरीर में, कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उसको अंदर से ही जलन और इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, तो वो बेलाडोना इफेक्टिव है उसके केस में। ब्रायोनिया है जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी, कफ होगा जो ड्राइनेस के साथ होगा, कफ वो कर रहा है बट कफ निकल नहीं पा रहा है, मोशन में अगर थोड़ा मूवमेंट करता है तो उसको बॉडी पेन होती है या उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उस कंडीशन में ब्रायोनिया, मतलब मूवमेंट से उसको प्रॉब्लम होगी, उसको ज़रा भी बिल्कुल आराम करने में उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की आती है फीवर में या कफ में किसी तरीके का, इस तरीके का सिम्टम आता है तो उसमें ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिव है। तो ब्रायोनिया 30 में भी और ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में भी हम दे सकते हैं। चाइना यानी कि सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है वो एग्जॉस्टिंग है, वो जैसा कि कार्बोवेज में बताया कि एग्जॉस्टिंग या बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है किसी बीमारी की वजह से, उन कंडीशन में देते हैं। चाइना सिंकोना ऑफिसिनालिस भी वही है, अगर इससे बॉडी से किसी तरीके का फ्लूइड लॉस होता है, किसी तरीके का एग्जॉशन होता है यानी कि वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से डायरिया यानी वोमिटिंग, डायरिया इन सारे की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, वीकनेस आती है, तो उस कंडीशन में चाइना बहुत ही इफेक्टिव है। फीवर अगर हो रहा है तो फीवर में आप चिल के साथ यानी कि बहुत ज़्यादा कंपन के साथ फीवर आ रहा है, फीवर हाई ग्रेड है, उस कंडीशन में चाइना सिर्फ वीकनेस को कवर करने के साथ साथ फीवर को इरेडिकेट करके वापस से जो बच्चे की स्ट्रेंथ है वापस लाने में मदद करता है। जो भी बच्चा अगर बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा सुस्त है, उस कंडीशन में चाइना की 6x पोटेंसी और चाइना की 30 पोटेंसी दोनों मेडिसिन में आप उन्हें दे सकते हैं। चाइना की 6x उसकी वीकनेस और उसके कमजोरियों को दूर करके उसे स्ट्रेंथ देगा, और 30 पोटेंसी फीवर इरेडिकेट करके उसकी बॉडी में किसी तरीके की वीकनेस, पेन, इन सारी चीज़ों को, वोमिटिंग, डायरिया, उसको ट्रीट करके उसे वापस से हेल्दी बनाएगा। तो इस तरीके से चाइना की आप 30 और 6x की पोटेंसी में दे सकते हैं। अब बात करते हैं जेलसीमियम मेडिसिन। जेलसीमियम सेम्पेरिवेंस ये भी फीवर के साथ साथ किसी भी तरीके का अगर डर, एंजाइटी, ये सारी कंडीशन आती हैं तो जेलसीमियम बहुत इफेक्टिव है। जेलसीमियम को आप फीवर के लिए 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। जेलसीमियम को आप हार्ट की कंडीशन में, जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब हार्ट फेल्योर की कंडीशन आती है, जैसा कि हम MISC के कॉम्प्लिकेशन में देख रहे हैं, उस कंडीशन में भी जेलसीमियम सेम्पेरिवेंस बहुत अच्छा इफेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जेलसीमियम आप फीवर के लिए ही नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि थेरापिटिक मेथड में, MISC के थेरापिटिक पर्पज से भी आप उसे दे सकते हैं। तो ये रही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर मैं एज अ प्रिवेंटिव बात करूँ तो आप एकोनाइटम, आर्सेनिकम, आप कार्बोवेज दे सकते हैं, थेरम फास हुआ, जेलसीमियम हुआ, बेलाडोना, ब्रायोनिया, चाइना, ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रही MISC के लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। MISC का ये तो वो मेडिसिन हैं जब आप बच्चा स्टेबल है उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। अगर बच्चा अनस्टेबल है, आपको लगता है कि बच्चे की कंडीशन वर्स हो रही है, तो प्लीज़ घर पे रख के उसे ट्रीटमेंट ना दें, आप उसे हॉस्पिटलाइज्ड ही करें। साथ साथ में आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, बट ये तभी जब आप उसको स्टेबलाइज कर लें, ठीक है।
तो ये रही होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें और स्वस्थ रहें।